जमशेदपुर में चरमराई बिजली व्यवस्था के खिलाफ जिला सुपाटी ने बिष्टुपुर स्थित विद्युत विभाग महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। लोगों ने 15 दिनों के भीतर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग उठाई है। मौके पर आसू के तमाम पदाधिकारियों के साथ पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस मौजूद रहे। पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस ने कहा कि वर्तमान समय में भीषण गर्मी है और बिजली लोगों को नहीं मिल रही है। 24 घंटे में केवल 5 से 6 घंटे ही बिजली की आपूर्ति की जाती है। मामले में विभाग के महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा लगातार कार्य चल रहा है, इसकी वजह से शट डाउन हो जा रहा है। जल्द ही बिजली से जुड़ी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। और बिजली विभाग के अनियमित बिजली सप्लाई को देखते हुए लोगों को जो परेशानियां जो झेलनी पड़ रही है, इसको देखते हुए आज चौपाटी पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई ने आज बिजली विभाग के महाप्रबंधक को विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक दिवसीय ये कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम के माध्यम से महाप्रबंधक को अवगत कराते हुए और विशेष रूप से लोगों को बिजली के प्रति ध्यान देने के लिए आज हम लोग लिखित रूप से इनको एक मेमोरेंडम देंगे। नहीं देखिए ना, हम मैंने ना उनकी गलती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, हम एक्सपेक्टेशन के हम ऐसे कह सकते हैं कि जो उनका एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन पे हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ये हम एडमिट करेंगे। क्योंकि आज के डेट में स्वाभाविक है कि जमशेदपुर जैसे शहरों में जो गर्मी है, अगर हाफ एन आवर भी गर्मी लाइन कटता है, किसी आप भी इस चीज़ को रियलाइज करते होंगे, तो लगता है कि 2 घंटे से लाइन कटा हुआ, पूरा पसीना वसीना आ जाता है, आदमी परेशान होने लगता है। तो आज के डेट में समय का डिमांड है कि एक्चुअल में 0 कट है, जो हम लोग अभी एवरेज 22 घंटा तो दे पाते हैं, लेकिन 0 कट वाला जो सिचुएशन है वो हम लोग अभी 2 घंटा में आधा घंटा करके 3 से 4 बार फ्यूज बनाने और इस सब के लेकर के हो जाता है। जो पब्लिक कह सकते हैं कि उस एक्सपेक्टेशन पे अभी हम लोग उतना खड़े। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि उड़ाना। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।